Hey guys, welcome back to my channel. प्रभास का क्रेज साउथ के साथ पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा है, पर बाहुबली की सफलता के बाद से तो सिर्फ फैंस ही नहीं, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स भी प्रभास के आगे पीछे घूम रहे हैं। प्रभास के कई बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, खास कर करण जौहर के साथ, क्योंकि करण जौहर ने ही प्रभास की फिल्म बाहुबली को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। पर साहू की रिलीज के बाद से तो सब बदल गया है, जो प्रभास के करियर को थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है। बाहुबली के बाद करण जौहर ने प्रभास से वेट करने के लिए कहा था, ताकि प्रभास करण जौहर की फिल्म करें और उनकी आने वाली फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के तले बने। पर प्रभास ने करण जौहर की एक न सुनी और उन्होंने उनके फैमिली बैनर यूवी क्रिएशन के साथ अपनी फिल्म साहू बना दी, जिसके बाद से करण जौहर और प्रभास के बीच थोड़ी सी नोकझोंक चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब प्रभास ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के साथ फिल्म आदि पुरुष करने का फैसला किया है, जिसे तानाजी फेम डायरेक्टर ओम राउत डायरेक्ट करेंगे। तो इस बात से करण जौहर प्रभास से और दुखी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि करण जौहर प्रभास के इस मूव के बाद से तो प्रभास से और ज्यादा खफा हो गए हैं, क्योंकि करण जौहर का मानना है कि वो करण जौहर ही थे जिन्होंने प्रभास को बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के बीच इतना प्रमोट किया था। करण जौहर ही आगे प्रभास के साथ फिल्म करना चाहते थे, पर जैसे कि नेपोटिज्म इस वक्त इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार बॉलीवुड स्टार किड्स और करण जौहर ही हैं, तो प्रभास ने इसी कारण करण जौहर से दूर रहने का फैसला किया और उनके साथ फिल्म ना करने का डिसीजन लिया। वैसे गाइस, प्रभास का करण जौहर के बजाय ओम राउत और टी सीरीज के साथ फिल्म करने के फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस, फॉर मोर गुड कॉन्टेंट कीप वॉचिंग नो अबाउट ऑल। थैंक यू।